मेरा नाम है आसिया। हम एक्चुअली गाड़ी में आ रहे थे घर से, ठीक है। दो चार दिन पहले हम आए हैं, आरटीसी रोड लगी हुई है, हमारी दरहाल की गाड़ी है वहाँ पे। सर उसने क्या किया, चार दिन हमसे 20 रुपये किराया लिया, ठीक है। उसके बाद आज हमारे साथ तो उसने क्या किया कि 30 रुपये लिए जो सवारियाँ बैठी हुई उनसे, और 50 रुपये हम स्टूडेंट से। पहली बात ये, दूसरी बात है सर हमारे साथ बदतमीजी की है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत बदतमीजी की आगे से। इसको आपको क्या बोला, बोलो जो भी बोला है। फिर मुझे बोलता है कि आपके बाप की गाड़ी है। तो मैंने कहा ना हमारे बाप की गाड़ी नहीं है, गवर्नमेंट ने ये गाड़ी दी है हमें। तो बोलता है आप कौन से स्टूडेंट हो। मैंने उसको आईडी कार्ड भी बताया कि हम पैरामेडिकल के हैं, कोविड के स्टूडेंट हैं। इवन कि हमें यहाँ तक बोला गया कि कोविड का सब कुछ फ्री है। तो हमने उनको बोला कि हम 20 रुपीज़ दे रहे, बोलते हैं कोविड का कोई स्टूडेंट नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल के स्टूडेंट हो तो उनको बोलो गाड़ी प्रोवाइड करें। तो ठीक है, हम उनको बोलेंगे कि गाड़ी प्रोवाइड करो। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और उन्होंने हमें बोला है कि बीच रास्ते से आप उतरो, यहाँ से उतरो, यहाँ से जहाँ मर्जी जाओ। ये कोई बिहेव है उनका, हमें गवर्नमेंट ने गाड़ी दी है, स्टूडेंट के लिए स्पेशल गाड़ी है। तो उन्होंने ऐसा हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है उन्होंने हमारे साथ। क्या आपने दरहाल में किसी मुतलका अफसर से इस बारे में बात की? हम स्टूडेंट हैं, हम डायरेक्टली अभी रजौरी आए थे। और जो बीच में लोग थे ना, उन्होंने भी उनका ही साथ दिया है, उनसे उन्होंने 30 रुपये लिए, इसलिए आज उनका साथ दिया। और हमारे से 50 रुपीज़ लिए। आज यहाँ किससे मिलने आए? हम यहाँ डीसी साहब से मिलने के लिए आए, हम उन्हीं से बात करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि और हम किसी से बात करेंगे तो वो आगे बात जाएगी नहीं, और हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करते। हमें न्यू गाड़ी चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, कोविड है और कोविड भी है। और आज गाड़ी में 200 सवारी थी, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? उसका कोई रिस्पॉन्सिबल था? कोविड चल रहा है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्राइवर की कि गाड़ी में हमें कम स्टूडेंट बिठाने चाहिए थे। उसने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है, हम लड़कियाँ थी। हम अभी जाएंगे डीसी साहब के पास और हम ये बात करेंगे। और हम आज दरहाल से आरटीसी बस पे आ रहे थे और ड्राइवर साहब ने हमारे साथ बदतमीजी की है और बोलते हैं आधे रास्ते पे हमें बोलते हैं नीचे से, इधर से नीचे उतर जाओ जिस मर्जी पे हो। तो हमसे उसने 50 रुपीज़ लिए और हमें बोलता है कि आप गाड़ी पे मत, गाड़ी से उतर जाओ। और हमें बोला है कि गाड़ी से उतर जाओ पी लिए। और गाड़ी में जो थे वो शायद 200 बार बैठे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था?